हजरात, दुनिया में इंसान को हर किस्म के हालात पेश आना तय है। अगर कोई इंसान ये समझता हो कि सारी जिंदगी मेरी खुशी में गुजरनी चाहिए तो ऐसा मुमकिन नहीं। अगर कोई इंसान ये तमन्ना करे कि मुझे जिंदगी में कभी कोई गम पेश ना आए तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इंसान ये चाहे कि जिंदगी में मेरे हर ख्वाब पूरे हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मुझे कभी नाकामियां नहीं होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान ये समझता हो कि मेरी मेहनतों और कोशिशों के जरिए से मैं हर मुश्किल पर काबू पाने में कामयाब हो जाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जिंदगी रंगारंग हालात का सामना करेगी, इंसान को खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगे, मेहनतें कामयाब भी होंगी, मेहनतें फेल भी हो जाएंगी, ख्वाब पूरे भी होंगे, तमन्नाओं का खून भी होगा, कभी मामूली कोशिश से बड़े बड़े फायदे हासिल होंगे और कभी बड़ी बड़ी कोशिशों से छोटा फायदा भी हासिल नहीं होगा। कभी बीमारियों का सामना करना होगा, कभी बहुत उमदा सेहत होगी, कभी कामयाबियां मिलेंगी, कभी मुश्किल खड़ी होंगी, कभी उम्मीदों से ज्यादा कामयाबियां मिलेंगी और कभी कोशिशों के बावजूद भी नतीजा जीरो आएगा। ये सारे हालात इंसान को पेश आना तय है, क्योंकि इस कायनात को अल्लाह ने दुनिया बनाया, ये न जन्नत है न जहन्नम है। जहन्नम में सिर्फ गम ही गम है और जन्नत में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। इस कायनात में अगर सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती तो फिर ये कायनात दुनिया नहीं होती, फिर ये जन्नत होती, और इस कायनात अगर सिर्फ गम ही गम होते तो फिर ये कायनात दुनिया में होती, ये जहन्नम बनती। अल्लाह ने इसको दुनिया बनाया जहाँ खुशियाँ भी आएंगी, गम भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, कामयाबियाँ भी मिलेंगी, हर किस्म के हालात का सामना हर जिसके पास सारे वसाइल हैं उसके सामने भी मसाइल आएंगे और उसको भी मुश्किलात होंगी। जिनके पास कुछ भी वसाइल नहीं हैं उनको भी खुशियाँ मिलेंगी जबकि वसाइल कुछ नहीं। जिनके पास सारे सोर्सेज हैं उनको भी तकलीफ़ों का सामना करना होगा, और जिनके पास कुछ भी सोर्सेज नहीं हैं उनको भी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलेंगी। फिर खुशियाँ हमेशा दायमी नहीं रहेंगी और गम भी हमेशा यहाँ के दायमी नहीं है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में किस्म किस्म के हालात का सामना करने के लिए ज़हन हमेशा तैयार रहना चाहिए। अल्लाह जल्ला शानहु कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैं कभी बंदों को बहुत कुछ देता हूँ और वही मेरा इम्तिहान होता है, और मैं कभी बंदों को मुश्किलात में डालता हूँ वही मेरा इम्तिहान होता है। फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु वनअ'अमहु फ़यक़ूलु रब्बी अहमन। इंसान को मैं आजमाइश में डालता हूँ, खूब नेमतें, ओहदा, दौलत, खुशियाँ, ऐश, सब कुछ मिल रहा है, अल्लाह फरमाते ये भी मेरा इम्तिहान। फ़अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब मैं आजमाने पर आता हूँ तो तंगियाँ पैदा कर देता हूँ, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो भी मेरी आजमाइश होती है। तो इंसान को हर किस्म का हालात का सामना करने के लिए हमेशा ज़हनन तैयार रहना चाहिए। आज सेहत है, बहुत शुक्र पढ़ें, लेकिन ज़हनन तैयार रहना है, हो सकता है आगे किसी मरहले पर यह सेहत इस हालत में बाकी न रहे, मुझे बीमारियों का सामना करना होगा, और वो बीमारियाँ छोटी सी छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, गंभीर से गंभीर भी हो सकती है, लाइलाज भी हो सकती है। आज बहुत ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तैयार रहना है ज़हनी तौर पर, कभी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। जिनकी तरफ से महब्बतों के फूल गिर रहे हैं, हो सकता है कभी न कभी उनकी तरफ से दुश्मनियों का सामना भी करना पड़ेगा। जिनको आपने राहतें ही राहतें पहुँचाई हैं और उनकी तरफ से आपको हमेशा महब्बतें ही मिली हैं, हो सकता है कभी उनकी तरफ से मुश्किल भी आएंगी, रुकावटें आएंगी और दुश्मनियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इंसान ने मेहनत की, उस मेहनत का बेहतरीन रिजल्ट सामने आ गया, यह भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि बहुत मेहनत की और नतीजा जो है वो सिफर आ गया। हमने किसी चीज के मुताबिक ख्वाब देखे थे मगर वो ख्वाब पूरे न हुए, और यह भी हो सकता है कि ख्वाब देखे तो ख्वाब पूरे हो। हमने बहुत दुआएं मांगी थी मगर वो दुआओं के बावजूद भी रिजल्ट वो नहीं आया जो हम मांग रहे थे, और यह भी हो सकता था, हमने मांगा भी नहीं था, अल्लाह ने फिर भी दे दिया, ये भी हो सकता और ये भी हो सकता। हर इंसान को अपनी जिंदगी में हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि मैं सारी जिंदगी सेहत में रहूंगा
और बीमारी मेरे करीबी भी फटकेगी, और उसके पास वसाइल सोर्सेज थे, लिहाजा बीमारी आने के तमाम चीजें उसे बंद कर दी, फिर भी तैयार रहना बीमारी फिर भी आई, क्योंकि अल्लाह ने सेहत भी रखी और बीमारी भी रखी। सेहत की नेमत का एहसास तब होगा जब बीमारी, अगर कोई इंसान ऐसा ही है जैसे हम चाहेंगे कि साहब हमेशा सुबह का सुहाना रहे, ऐसा नहीं होगा। सूरज निकलेगा, सुबह का सुहाना मौसम होगा, दोपहर आएगी, तपती हुई धूप आएगी, फिर आखिर में शाम को आफ्ताब डूब जाएगा। पौधा निकलेगा, वो नन्ना पौधा होगा, फिर मजबूत दरख्त बनेगा, फिर एकदम उसमें बुढ़ापा भी आ जाएगा। जवानी है, आज जवानी है, कल को बुढ़ापा भी आएगा। अगर कोई इंसान ये सोचे कि जवानी हमेशा जवानी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, बुढ़ापा आएगा। और अगर कोई ये समझता है कि खुशियाँ हमेशा खुशियाँ रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, कभी गम भी आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाया था, इसलिए आपकी मुबारक ज़िंदगी हर किस्म के हालात आए, मुश्किलात से मुश्किलात, गमों के गम, फतूहात की फतूहात, कामयाबियाँ भी हुई, रुकावटें भी आईं, तकलीफ भी पहुँची दुश्मनों के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए, सेहत भी मुतासिर हुई, सेहतयाब भी थे, खुशियाँ भी हुई, कामयाबियाँ भी हुई, और मेहनत करने के बाद नुकसान भी हुआ। एक तरफ से बद्र है और उसकी कामयाबियां हैं, अगले साल ओहद है और उसके नतीजे में होने वाला खतरनाक नुकसान है। एक तरफ से बद्र है और बद्र में आपको खराश भी नहीं लगी, दूसरी तरफ से ओहद भी पेश आ गया जिसमें आपके दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए, आपका सर मुबारक भी जख्मी हुआ। एक तरफ से मुकाबला हुआ और मुकाबले में फाके बर्दाश्त करने पड़े, पेट में पत्थर बांधने पड़े, मुश्किलात हुई, और दूसरी तरफ से आपने सफर किया और दुश्मन सामने टिक भी नहीं सका और वो फरार हो गया, फरार छोड़ कर ही फरार हो गया। तो ये भी है और ये भी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी में ये नहीं कह सकते हैं कि नाकामियां हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आपकी बहुत सारी मेहनतों का वो रिजल्ट नहीं निकला जो रिजल्ट निकलने की तमन्ना थी। मसलन आपने बहुत मेहनत की कि किसी तरह से अबू तालिब मुसलमान कलमा पढ़ लें, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी कहेंगे या अल्लाह मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी दुआएं की, आपने मेरी दुआ कबूल नहीं की, अबू तालिब कलमा पढ़े बगैर दुनिया से रुखसत हो गया। या अल्लाह मैंने इतनी कोशिश की, इतना समझाया अबू जहल को, उसको इस्लाम की दौलत क्यों नहीं मिली। जब अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी ने दुआएं फरमाई, या अल्लाह मेरी उम्मत पर टकराव नहीं होना चाहिए, दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह का फैसला यही था। या अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसा कोई दुश्मन मुसल्लत ना हो कि सारी उम्मत को खत्म कर दे, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा दी। या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहों में मुब्तला हो जाएगी, आपकी तरफ से अजाब आ सकता है, सारी कौम फरा हो जाएगी, या अल्लाह ऐसा नहीं करना। पिछली कौमों को अल्लाह ने उनके गुनाहों पर सारी कौम को मिटा दिया, कौम आज खत्म हो गई, नाम और निशान भी बाकी नहीं बचा, आज उनकी हड्डियां निकलती हैं, 90-90 फुट के आदमी हैं। कौम आज फख्र के साथ कहती थी मन अशद मिन्ना कुवा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और हालत उनकी ये थी 80-80 फिट के आदमी, जितनी लंबी हमारी उंगलियां हैं इतने लंबे लंबे उनके दांत, जिस तरह से हम मुर्गे को पकड़कर गर्दन मरोड़ कर अलग कर देंगे, इस तरह से वो बैल की गर्दन मरोड़ कर अलग कर देते थे। जिस तरह से कश्मीरी हाम निकालते हैं, हाम यानी धान के साथ जो जो फालतू घास पैदा होती है तकना हाम, जिस तरह से उसको निकाल कर फेंक देते हैं, इस तरह से मजबूत रख को यूं निकाल कर देते थे, इतने ताकतवर थे। लेकिन अल्लाह ने बीज उड़ा दिया, वो कहते थे मन अशद मिन्ना कुवा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन इस दुनिया में। फिर अल्लाह ताला सब ऐसे, तो गरज ये कि हालात हर किस्म के आएंगे, जहनन हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अब जिस किस्म के हालात आए, उस किस्म के हालात में बंदे को फौरन सोचना है ये सब मुझे क्या करना चाहिए, बस अब चंद हालात सुनते रहें। कभी ऐसा होगा कि हमारे सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, मुलाजमत बहुत अच्छी है, सेहत भी बहुत अच्छी है, घर में भी कोई टेंशन नहीं, औलाद भी ठीक हालत में चल रही है, यानी आसानियां ही आसानियां हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। इस हालत में नदामत और शुक्र, अगर इस हालत में किब्र और अकर और अय्याशी आ गई तो खतरा है। मैं उम्मीद करूंगा गौर से सुनेंगे और समझेंगे बात को। इंसान की जिंदगी अगर खुशियां हैं कि जनाब आमदनी बहुत अच्छी है, चाहे मजदूरी, चाहे इंडस्ट्री, चाहे मुलाजमत, चाहे बिजनेस, जिस जरिए से भी है, आमदनी बहुत अच्छी है, घर अच्छी तरह चल रहा है, कोई उलझन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सेहत सबकी ठीक है, परेशानियां कोई नहीं है, चल रही बहुत अच्छी, अगर हालत ये है तो नदामत, आजजी, अल्लाह की एहसान के सामने गर्दन झुकी रहे और शुक्र करते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लेकिन शक्र तुम अजीजन्नकुम, शुक्रगुजार रहोगे और अता करूंगा और अता करूंगा और अता करूंगा।
لیکن اس حالت میں خطرہ رہتا ہے کبر آنے کا، عجب آنے کا، اکڑ کا، دوسروں کا حقیر سمجھنے کا. اور اگر زیادہ ہی نعمتیں ہوئیں، عہدہ اونچا مل گیا، دولت زیادہ آ گئی، پیسہ زیادہ آنے لگا، گھومنے لگ گئے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اب عیاشی کی باتیں ذہن میں آنے لگیں گی، اب ہم ٹور کرنے جائیں گے، جس سطح کی پیسہ ہوں گے اسی سطح کو ہم یہاں سے فلاں شہر میں جائیں گے، نہیں نہیں ہماری مالی حالت اس سے زیادہ اچھی ہے، اب ہم فلاں کنٹری میں جائیں گے، اب ہم فارن میں جائیں گے، اب ہم سوئٹزرلینڈ اور ناروے اور کہاں کہاں گھومنے جائیں گے. یا یہ ہوگا، یا کبر آئے گا، عیاشی آئے گی، فوشکاری آئے گی، غلط چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے آئے گا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کے مزاج پیدا ہوگا. کچھ عرصے تک یہ رہے گا، پھر اللہ کی طرف سے سزا شروع ہو جائے گی، وہ ہے تباہی. اس کے مقابلے میں اگر نرمی، عاجزی، احسان، اور وہ عاجزی نرمی کیسے رہے گی؟ جب سوچتے رہیں گے میری حالت یہ ہے، فلاں میرے بندے میرے بھائی کی حالت یہ ہے، اس سے زیادہ. تو جب یہ سوچتے رہیں گے، دوسرے تباہ حال انسانوں کا حال سامنے رکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ چھیننا نہیں، صحت بہت اچھی ہے تو شکر پڑھتے رہیں، آمدنی بہت اچھی ہے شکر پڑھتے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے شکر پڑھتے رہیں، گھر میں بہت امن عافیت کے ساتھ وقت گزر رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ شکر پڑھتے رہیں. جتنا شکر پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ صاحب کی طرف سے اور رحمتیں گزریں گی. اس کی اور ڈیٹیل میں اس وقت عرض نہیں کروں گا، میں اسی ٹاپک کو یہی ختم کرتا ہوں. اچھی حالت ہے شکر پڑھتے رہیں، بس ختم. نمبر دو، انسان کو مشکلات آئیں گی. یہ مشکلات صحت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، مالی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، گھریلو اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، پارٹنروں کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہیں، رشتہ داروں کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہیں، دفتر کے کلیگوں اور افسروں کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہیں، دشمنوں کے ذریعے سے بھی، حتیٰ کہ اپنوں کے ذریعے سے. وہ اپنوں میں سے بہت اپنے قریب ہیں، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، یہاں تک کہ اپنی بیوی، اپنے شوہر، کسی کی طرف سے مشکلات آ سکتی ہیں. صحت کے اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، دماغی صحت بھی ہو سکتی ہے، جسمانی صحت ہو سکتی ہے، غرض ہے کہ قسم قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں. اگر مشکلات والی زندگی ہے تو اس وقت صبر، برداشت، زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور اللہ سے رابطہ. یا اللہ یہ میرے سامنے یہ مشکل ہے، اس مشکل کو حل کرنے کے میرے پاس یہ سورسز ہیں، ان اپنے سورسز کے استعمال کرو اور بعد میں کیس اللہ کے حوالے کرو. یا اللہ بیمار ہے، ہمارا کام اس وقت ہے علاج کرانا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، پرہیز کرانا، خدمت کرنا، جتنی ہماری مالی گنجائش ہے اتنا مال ہم خرچ کریں گے، یہ ہمارے بس میں ہے، باقی شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنا جلد. تو اگر مشکلات ہیں تو صبر، اگر مشکلات ہیں تو اللہ کی ذات عالی کے بارے میں ہرگز ہرگز اپنی زبان کو بے قابو نہیں کرنا. بے شمار انسانوں کا ایمان ایسے وقت میں ختم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں تبصرے کریں گے، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا. چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، گھریلو ٹینشن کا مسئلہ ہو، ٹھیک، کوئی بھی مسئلہ اگر ہوگا پریشانی کا اور آپ دعائیں کر رہے ہو، پریشانی دور نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اس وقت گھبرانا نہیں ہے. نمبر ایک، دل مضبوط رکھنا ہے. نمبر دو، زبان پر ایسا جملہ نہیں لانا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شان ہو کہ شان عالی میں گستا. جناب لاکھوں بچوں نے ایگزام دیا، ٹھیک ہے، سلیکشن نہیں ہوا، تو نہ جانے کتنے ٹینشن کا شکار ہو گئے، کتنے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کتنوں نے اللہ کو گالیاں دی، برا بلا کہنے لگے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. زندگی میں کامیابیاں بھی آئیں گی اور ناکامیاں بھی آئیں گی. ناکامیوں کے معنی یہ نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ترین ہوئے ہیں ان کو پہلے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بعد انہیں محنت کی، تب کامیابیاں ملی. میں زیادہ مثالیں نہیں بیان کر سکتا، پھر موضوع رہ جائے گا، ورنہ میں مثالیں بتاتا. فلاں انسان ایسی ناکامیوں کا شکار تھا، جسمانی اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے اتنی مشکلات میں تھا، آگے چل کر وہ کیا بنا؟ کوئی سکالر بنا، کوئی سائنٹسٹ بنا، کوئی عالم بنا، کوئی کیا بنا، کوئی کیا بنا. مثالیں عجیب عجیب ہیں، لیکن وہ مثالیں میں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی لائٹ چلی گئی تھی، بعد وہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بخاری شریف جیسی کتاب لکھی، اور اس کائنات میں مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا محدث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. تو خیر، مشکلات کا زمانہ اگر گزر رہا ہے تو اس وقت زبان کو قابو میں رکھنا ہے، صبر کی حالت رکھنی ہے، دوسرے اپنے سے زیادہ مشکلات میں مبتلا لوگوں کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کا شکر پڑھنا ہے کہ یار وہ تو اس سے زیادہ مشکلات میں ہیں. پھر اس مشکلات میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بار بار سوچیں کہ میرا ایسا کاروبار کا لاس ہو رہا ہے، لیکن گھر بھی ہے، صحت بھی ہے، کام ٹھیک چل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، بھوکا نہیں رہا، ٹھیک ہے، گھر والے ٹھیک ہیں، اتنا. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے بیمار ہو گیا، لیکن کم سے کم اللہ نے گھر بھی دیا، والدین ہیں، اولاد ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، نمازیں ہیں، ایک ہی مشکل بھی ہے. مشکلات ایک یا دو ہوں گی، نعمتیں ہزاروں ہوں گی.
एक बड़े बुजुर्ग ने, जो बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, डॉक्टर भी थे, आलिम भी थे, मुर्शिद भी थे, उन्होंने अपने मुर्शिद को खत लिखा कि हजरत मुझे ये मुश्किल, ये मुश्किल, ये मुश्किल, लिस्ट बनाई, नंबर एक, नंबर दो। तो मुर्शिद उनके मुर्शिद थे, उन्होंने जवाब में लिखा कि अल्लाह की शिकायतें करते हो, अपनी मुश्किलात मुझे लिस्ट बनाकर भेजी है, अब दूसरी लिस्ट बनाओ, अल्लाह ने तुम पर रहमतें और मेहरबानी और नियमतें क्या क्या की है, पहले उसकी लिस्ट बनाकर मुझे भेजो, फिर मैं बताऊंगा तुमको जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का हल तुम्हारे लिए क्या है। उसने कहा हजरत मैं तौबा करता हूं, मुझसे गलती हो गई। तो अगर मुश्किलात की जिंदगी है तो यह करना है। इंसान को अपनी जिंदगी में मसाइल पेश आएंगे, इन मसाइल को हल करने के लिए इंसान के पास तरह तरह के वसाइल है, कोशिश है, मशवरा, दौड़ धूप, तगोदो, ये करेगा इंसान। क्या कोशिश करेगा? उस फील्ड में उस मुश्किल को हल करने के लिए जो कोशिशें दुनिया के तारे लोग करते हैं ये भी करेगा, करना भी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हर काम के लिए जो जरूरी कोशिशें होनी चाहिए थी वो करते थे। तो ऐसे ही हमारे सामने अगर कोई मसला पेश आ गया और हम उसके लिए जो जरूरी कोशिशें वो करेंगे, इसके बाद एक काम और करना चाहिए, वो अल्लाह के नबी हमें तौफा अता फरमाया, वह है सलातुल हाजत पढ़ना। अपनी ज्ञान हमने ये सारा किया जो हमारे बस में था, अब हम आपके साथ रब्ता करते हैं, हमारा मसला हल कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना से निकलना जरूरी था, सहाबे किराम को साथ लिया निकलना, मशवरा करना था, मशवरा भी किया, जो कुछ वसाइल मुहैया कर सकते थे वो सारे वसाइल मुहैया किए। बद्र के मैदान में पहुंचे, कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह मेरे बस में इतना था, वो तो सारा मैंने किया। उसके बाद सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे, सारी रात। और हालत यह थी कि कंधे पर चादर है, जिस्म मुबारक पर कपड़ा कोई नहीं, कंधे पर चादर है, बिलक बिलक कर खड़े होकर मांगते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं या अल्लाह ये थोड़ी सी जमात जो मैंने तैयार की अगर ये खत्म हो गई, कयामत तक आपकी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। कभी उठ जाते थे, कभी नीचे बैठ जाते थे, सिद्दीक अकबर आकर फिर चादर कंधे पर डाल देते थे, फिर कहते या रसूलल्लाह बहुत दुआ हो गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता आपका इस तरह से बिलकना। कहा नहीं, मैं तब तक दुआ करता रहूंगा जब तक अल्लाह की तरफ से मुझे इजाजत नहीं, हुक्म नहीं आएगा, बशारत नहीं आएगी। मंगत सारी रात, सारी रात अल्लाह के नबी मांग रहे हैं। सुबह के करीब या तो इल्हाम हुआ या वही हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया सयुहज़मुल जमउ व युअल्लमुन दुबुर, सारी फौज को शक्कत से फाश होगी और पीठ फेर कर सारे भागेंगे। अल्लाह के नबी आसम इतना नाम हो गया, बस अगले दिन सुबह वही हुआ। हम जनाब कोशिशें करेंगे लेकिन अल्लाह से मांगते भी नहीं, खुदा वंका पे रहम, यह कोई मांगने का तरीका है? अल्लाह के नबी कैसे बिलक बिलक कर सारी रात मांगते रहे? तो बिलकना सीखिए, अल्लाह से मरवाना सीखिए। बल्कि अल्लाह ताला शानो कभी चाहते हैं मेरा बंदा जितना ज्यादा मेरे सामने बिलकेगा, गड़गड़ाएगा, तड़पेगा, बेबसी का आलम और कहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, या अल्लाह मेरे पास ये है, मैं इलाज करूंगा, मैं अपने बीमार को ऑल इंडिया ले जाऊंगा, मैं अपने बीमार को स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा। तो करके देखो, फिर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफ हो गई, बहुत ज्यादा आंखें करने लगे, बहुत ज्यादा आंखें बरसने लगे। तो उनके बेटे ने या गुलाम ने पूछा हजरत आप इस तरह आंखें कर रहे हैं? तो वो हजरत फारूक आजम ने कहा तो क्या मैं कहूंगा या अल्लाह और भी साल मैं ताकतवर हूं, और भी मुसीबत डाल दे, और बीमारी डाल दे, मैं ताकत से कहूंगा? मैं कहूंगा या अल्लाह मैं तो बहुत कमजोर हूं, या अल्लाह मैं आजिज हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह को तो ये मेरा पसंद है ना कि मेरा अकड़ा पसंद है, क्या नुकता सिखाया अल्लाह। तो सलातुल हाजत, सलातुल हाजत पर अल्लाह के नबी ने सिखाया, करके भी दिखाया। तो जब कभी कोई मसला सामने हो उस मसले को हल करने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हमें इख्तियार करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे कुछ नहीं, दवाई नहीं खाएंगे या अल्लाह अभी तो शफा, ये कैसे हो सकता है? क्यों? अल्लाह को ताकत है मगर देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है, बीज तुम डालोगे फसल मैं उगाऊंगा, शादी तुम करोगे औलाद मैं दूंगा, दवाई तुम खाओगे शिफा मैं दूंगा। अब तुम चाहोगे या अल्लाह हम ना डॉक्टर के पास जाएंगे ना दवाई खाएंगे मगर शिफा आप दे दें, अल्लाह फरमाएंगे मैं दे सकता हूं मगर दूंगा नहीं। क्यों नहीं दूंगा? मेरा कानून है, कानून को फॉलो करो। अगर मैं तुम्हारी मेहनत के बगैर, जब तुम कुछ मेहनत करोगे उसके बाद मैं तुम्हें अता करूंगा, तुम्हें लगेगा हमने भी कुछ ना कुछ किया। बारह जब भी मुश्किल सामने आए उस वक्त क्या करना चाहिए? जो जो हमारे पास वसाइल है वो वसाइल हम इख्तियार करेंगे, फिर अल्लाह से मांगेंगे। इसके बाद फिर अगर वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो अल्लाह का गिला नहीं करना है, मेहनत देखो यू दुआ तो एक बोन खुदा है तो ठीक है ना, अल्लाह अल्लाह वो कह सकते हैं मेरे बंदे, फैसला मेरा चलेगा। अगर तुमने बहुत मेहनत की
बहुत कोशिश की, सारे सोर्सेज जमा किए, जो कुछ तुमसे हो सकता था सारा तुमने किया और दुआएं भी बहुत मांगी, मगर मेरा फैसला तो तुम्हें ये चीज मुझे नहीं देनी है। मैं देखता हूं तुम अपनी चाहत की बिना पर मुझसे गिला करोगे या मेरे रब होने के बिना पर मेरे फैसले पर राजी होंगे। तो जो नेक बंदा होगा कि या अल्लाह आपके फैसले पर राजी। काश ये नुकता समझ में आया हम किस स्टेज पर आ गए। स्टेज हमारा कौन सा है? बहुत मेहनत की, बहुत दुआएं की, बड़ी उम्मीदें हैं और खा पूरा होने के लिए बड़ी तड़प है और चाह रहे हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर आखिर में खा पूरा नहीं हुआ। तो गिला नहीं करना है वहां, ये कहना या अल्लाह अगर आपका फैसला यही था मुझे मंजूर है। जनाब वाला उस मौके पर ईमान वाले को तकदीर का अकीदा बचा लेता है। अब खुदाई हमने बहुत कोशिशें की, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कॉन्टेक्ट किया, शानदार इलाज किया, खिदमत बहुत की, परहेज बहुत किया, खारा तो सदकत और नजर न्याज भी किया, दुआएं भी बहुत मांगी, फिर भी बीमार मर गया। तो या अल्लाह आपका फैसला यही था हमें मंजूर, बहुत कड़वा है आपका फैसला मगर मंजूर है। फिर क्या कहना है? या अल्लाह आपकी हिकमत का फैसला यह था, अब आपके रहमत की उम्मीद है कि हमको बर्दाश्त की हिम्मत दे दें। हिकमत और रहमत। जनाब जिंदगी में कोशिशें दम तोड़ देंगी, ख्वाब पूरे नहीं होंगे, दुआओं का रिजल्ट वो नहीं निकलेगा। उस वक्त हमें क्या करना है? हमें अपनी चाहते नहीं अल्लाह के फैसले के सामने सरेंडर करना। और अगर फैसले के सामने सरेंडर किया, अल्लाह के नबी के सामने ख्वाब देखा, क्या देखा? आपकी तलवार बुड़ गई, आपने फरमाया कोई हादसा हो, कोई नुकसान होने वाला, बहुत गमजदा हो गए ख्वाब में, तब तलवार बुड़ी भी देखी, फिर उसको हिलाया, फिर सीधी हो गई, फरमाया हादसा होगा, उस वक्त अल्लाह ताला को रहमत भी भेजेंगे। आपने ये नहीं कहा या अल्लाह हादसे को रोक दीजिए, जो होने वाला है नहीं होना चाहिए, आपने ख्वाब दे, उसका नतीजा हुआ जंग ओहद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 70 सहाबा शहीद हो गए, खुद अल्लाह के नबी ऐसा जख्मी हो गया, दंदा निवार शहीद हो गए। तो अल्लाह के नबी को जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कौन इंसान है जो कहेगा मेरे को सुन मुझे कांटा भी नहीं चुभना चाहिए? बस कभी ऐसा होगा आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कदम उठाना है, डिसीजन लेना है, छोटे से छोटा भी होता था बड़े से बड़ा भी हो सकता है, उस वक्त जैसे आपको कदम उठाना है वैसे अल्लाह से भी मशवरा करना है। अल्लाह से क्या मशवरा करना है? अल्लाह का इस्तिखारा, या अल्लाह हमारे सामने ये केस है, हम ये कदम उठाना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम इसका नतीजा सही निकलेगा या नहीं, हम अपनी तरफ से समझ रहे हैं शायद नतीजा, फिर आपसे मशवरा कर रहे हैं। तो नमाज इस्तिखारा पढ़ने, पहली मैंने सिखाई नमाज सलातुल हाजत, दो रकात नमाज पढ़ करके जो सूरतें याद हों सलातुल हाजत, फिर सलातुल हाजत की दुआ पढ़नी चाहिए और केस अल्लाह के हवाले करना चाहिए। फिर कभी इंतजार होता कि मुसलसल सलातुल हाजत पढ़ते रहें, मुसलसल सलातुल हाजत पढ़ते रहें यहाँ तक कि या तो रिजल्ट निकल आएगा या फिर रिजल्ट फेल हो जाएगा। निकल आया तो शुक्र पढ़ना है, रिजल्ट नहीं निकल आया तो अल्लाह के फैसले पर राजी होना है। मैं मिसाल बताता हूं, बच्चे ने मेहनत की, दुआएं भी हुई, अच्छे से अच्छा हमने ट्यूशन भी पढ़ा है, दुआएं भी की, ट्यूशन भी पढ़ा, उसने भी मेहनत की, लेकिन अल्लाह का फैसला था नहीं तो नहीं सिलेक्शन हुआ। आदमी ने डिग्री दी, डिग्री हाथ में है, वो एक ऑफिस में भी जाता है मुलाजमत ढूंढने, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी नहीं मिल रही है, समझना है आखिर में इंसानों का भी जुल्म हो सकता है और अल्लाह का फैसला भी हो सकता है। या अल्लाह अब जो भी मेरे मुताल्लिक मेरे मुकर्रम है मैं कोशिश करता रहूंगा, उस कोशिश करने के में अल्लाह ताला शानो कोई ना कोई नतीजा अता कर दे। अल्लाह ने तय किया है कि इसको मुलाजमत नहीं करनी है, बिजनेस करना है, आप मुलाजमत ढूंढते रहो नहीं मिलेगी क्योंकि अल्लाह के खाते में इसको बिजनेस नहीं बनना है। खैर हमारे रिश्तेदारों में यही शहर के हैं एक साहब है, वो बड़ी कोशिश कर रहे थे मेडिकल में सेलेक्ट होने की, ठीक है नहीं मिले, हालांकि सही और काबिल, मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है बाद में उसने कोई दूसरा शोबा पकड़ा, दूसरा शोबा पकड़ करके तालीम पढ़ी, आज वो बाहर मुल्क में बहुत ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत दीनदारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो गरज ये कि जरूरी नहीं कि जो हमने समझा था वही खाप हो रहा। तो जब कभी कोई मसला सामने आए और उस बारे में हमें कदम उठाना तो इस्तिखारे की नमाज पढ़नी चाहिए और इस्तिखारे की नमाज पढ़ करके फिर अल्लाह से मशवरा करना चाहिए, अल्लाह की तरफ से गाइडेंस लाजमन आएगी क्योंकि अल्लाह के नबी ने बुखारी में हदीस है ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا القران اللہ کے نبی اعظم ہم کو استخارہ سکھاتے تھے ایسے ہی جیسے قران سکھاتے تھے اللہ سے مشورہ کرنا دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کر یا اللہ ہمارے سامنے یہ کیس ہے ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں کون سا کریں گے آپ کسی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں کریں یا نہ کریں آپ کسی ہسپتال میں علاج کرنا چاہتے ہیں کریں یا نہ کریں آپ اپنے بچے کے ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں کریں یا نہ کریں آپ کو کوئی سلیبس سلیکٹ کرنا ہے کریں یا نہ کریں
آپ کو کسی ٹاپک پر لکھنا ہے لکھیں یا نہ، ہر وہ کام کریں نہ کریں، مگر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے یہ کام جائز ہے نہ جائز ہے پھر ہم استخارہ کریں، وہاں یہ نہیں، استخارہ تب ہے کہ جب یہ کام کریں یا نہ کریں، کریں وہ بھی جائز ہے، نہ کریں تب بھی جائز ہے، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے وہاں استخارہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر اس میں کبھی کنفیوژن ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھنا بھی چاہیے۔ چوتھی حالت ہے وہ کیا، انسان دوسروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو خود کیا کرنا چاہیے، ہم نے کسی کو دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا، فیل ہوا، ڈاکٹر نے لا علاج کیا، ٹیسٹ خراب آ گیا، بزنس الاس ہو گیا، حادثہ ہو گیا، قسم قسم، فلا آدمی بہت صحت مند تھا بیمار ہو گیا، بستر کے سر لگ گیا، فلا آدمی کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، لاس ہو گیا، سڑک پر آ گیا، فلا آدمی کی بہت اچھی حالت تھی، نقصان ہو گیا، مکان جل گیا، زیرو پر آ گیا، فلا آدمی بہت اچھا کاروبار کر رہا تھا، جناب باغ کے بزنس میں لاس ہو گیا، زیرو پر پہنچ گیا، فلا آدمی کو حادثہ ہو گیا، یہ فلا آدمی کے گھر میں بہت سکون تھا، نہ جانے کیا ہوا، آپس میں لڑائی ہو گئی، فلا آدمی اپنے اولاد میں بہت اچھی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا، باپ اور بیٹے میں ٹکراؤ ہو گیا۔ غرض یہ کہ جب دوسروں کے بارے میں کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی کی بات سنیں، صحت کی، مالیات کی، کسی کی، تو اس وقت کیا کر رہا ہے، فوراً شکر پڑھنا ہے، یہ اس وقت کہ یا اللہ اس مصیبت سے آپ نے ہم کو بچایا، اس مصیبت سے آپ نے ہم کو بچایا۔ اس وقت دل میں کبر نہیں آنا چاہیے، میں محفوظ ہوں، اس کو یہ مصیبت آئی، اپنی مثال نہیں بتانی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے میں اپنی مثال عرض کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ میں ایک شخص کے پاس گیا، وہ بیمار تھے، میں نے ان سے کہا کہ کیسی طبیعت ہے، کہنے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا نیند رات کو آتی ہے، کہنے لگے بہت کم آتی ہے، ساری رات چھت کو دیکھتا رہتا ہوں، مشکل سے 15-20 منٹ نیند لگتی ہے، میں نے کہا کھانا کھا سکتے ہیں، کہنے لگا مشکل سے 2-3 لقمے کھاتا ہوں، وہ بھی ہضم نہیں ہوتے، میں نے کہا آپ ٹھیک اللہ، کہنے لگے زیادہ پریشانی مجھے یہ ہے کہ پیشاب میرا انکنٹرول ہو گیا ہے، اور جب پیشاب کا تقاضا آتا ہے تو جب تک باتھ روم پہنچتا ہوں تب تک پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ یہ 3-4 باتیں میں نے سنی، کاش میں نے شکر پڑھا ہوتا اس وقت کہ یا اللہ میرا ڈائجسٹو سسٹم فٹ ہے، میری نیند ٹھیک ہے، میرا پیشاب کنٹرول میں ہے، میں نے اسے شکر نہیں پڑھا، مجھے خیال آ گیا میں تو جو کھاتا ہوں ہضم ہوتا ہے، میں سوتا ہوں تو چاہے 12 گھنٹے سو تب بھی نیند پوری نہیں ہوگی، اور مزے کی نیند، اور پیشاب میرا 10-10 گھنٹے تک میں روک کے رکھتا ہوں، میں صبح پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں 2 بجے زہر کی نماز پڑھتا ہوں اسی پیشاب سے، اور کوئی تکرار نہیں، اتنا یہ مجھے کبر کے احساسات پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا، بعد میں وہ مرحلہ آ گیا، ہاضمہ فیل ہو گیا، کھانا جو کھایا وہ ڈائجسٹ نہیں، نیند اڑ گئی، اب رات بھر تڑپتے رہے نیند کے لیے نہیں، اور جب پیشاب بھی انکنٹرول ہو گیا تب مجھے یاد آیا وہ غلطی ہو گئی ہے، اب میں نے معافی مانگی، یا اللہ غلطی ہوئی ہے، اس دن میں نے شکر پڑا ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی، ٹھیک ہے، اب میں سوچنے لگا یا اللہ اگر میں کہیں جاؤں گا مجھے کہیں گے بیان کرو، میں کیسے بیان کروں گا، کیونکہ بیچ میں اچانک پیشاب کا تقاضا آئے گا، مجھے نکلنا ہے، اور نکلتے نکلتے جب میں نکلوں گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے میرے، یا اللہ میں کیا کروں گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا وہ جو اس وقت مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اگر میں نے توبہ کی ہوتی اس وقت، اللہ کا شکر کیا ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ تڑپ کر جب دعائیں کی، اس کے بعد جب معاملہ کنٹرول میں آ گیا تب پتا چلا۔ یہ میں یہ مثال سمجھا رہا ہوں اس غرض کے لیے کہ میرے بھائی، جب کسی انسان کو آپ نے دیکھا مصیبت میں ہے تو فوراً شکر پڑھا، یا اللہ میں شکر گزار ہوں، کم سے کم اس مصیبت میں آپ نے مجھے اب تک مبتلا نہیں کیا، کوئی بھی مصیبت۔ اور یہ سکھایا ہم کو جناب رسول اکرم، آپ نے فرمایا جب تم کسی انسان کو دیکھو مصیبت میں فوراً کہو الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلا فی، یا اللہ میں شکر گزار ہوں آپ نے اس مصیبت سے مجھے۔ جناب آپ اپنی گاڑی میں سڑک پر چل رہے ہیں، چوراہے پر آپ رک گئے، ریڈ لائٹ پر آپ رک گئے، وہاں کوئی آدمی آئے گا ادھر سے ہاتھ پھیلا کر، جناب دے دو، آپ اسے دیں یا نہ دیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن فوراً کہیں یا اللہ کم سے کم آپ نے مجھے اس جگہ کھڑا نہیں کیا جہاں یہ ہے، اور اچھی طرح سے دیکھیں آپ کسی ریڈ لائٹ پر رک گئے اور وہاں کوئی خاتون آ گئی ہاتھ میں بچہ لے کر، اور وہ خاتون بوڑھی ہے یا جوان ہے، ہاتھ میں بچہ ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اسے جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا، وہ ہے ہی ایسی، لیکن بہرحال وہ سامنے آ کر کے کہتے دے دو بھائی جان، اور دے دو، کہ بازی کشمیری میں بولے گی، بازی اردو میں بولے گی، ترس جملے لوگوں کی، آپ اسے دیں یا نہ دیں مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے، لیکن فوراً سوچیں یا اللہ ہمارے گھر میں بھی لیڈیز ہیں، ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں، اس میں میری ماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہیں، میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں، کم سے کم ان میں سے کوئی تو نہیں اس حالت میں،
शुक्र पढ़ता हूं। शुक्र पढ़ना सीखो दूसरों की मुसीबत को देखकर, उसका नतीजा क्या निकलेगा, कहा मौत तक उस मुसीबत से बचे रहोगे, मौत तक उस मुसीबत से बचे रहेंगे। और अगर इस तरह की मुसीबत, अगर इस तरह की मुसीबत किसी ऐसे शख्स को आ गई है जिस शख्स के साथ हमारी अनबन है, तवज्जो के साथ समझें मैं क्या समझा रहा हूं, मामला है बहुत मुश्किल। मैं सोचता हूं खुदाया अगर मुझे ये इम्तिहान आ गया तो पता नहीं मैं भी कामयाब हो सकूंगा या नहीं, बोलने के बावजूद अपने बारे में गारंटी नहीं है कामयाब हो सकता है या नहीं। क्या है, जिसके साथ हमारी अनबन है और अनबन में मांग करके चले उसी की ज्यादती है, वही हमको सता रहा है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं है, अनबन उसके साथ है, जुल्म उसका है, ज्यादती उसकी है, गलतियां उसकी हैं, उसी ने हमको सताया। यह हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारा अफसर हो सकता है, हमारा कुलीग हो सकता है, कोई भी, इसने हमको बहुत सताया, बहुत दुख पहुंचाया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, बुरा भला कहा, बुरा भला कहा। मसलन मैं अपनी मिसाल बताता हूं, एक शख्स कोई सवाल लेकर के आ गया, उसका जवाब चाहिए था, तो मैंने कहा शरीयत में जायज नहीं है, कड़ी उसका सा बात, मतलब सर कैसे तुम्हारे लिए था, वो कहता ना कोई ना कोई रास्ता आप निकाले इसका, मैंने कहा कैसे निकल सकता है, हराम को हलाल कैसे बनाएंगे हम, नहीं नहीं शरीयत में बहुत आसानियां हैं, जिन्हें बहुत गुस्साते हैं अल्लाह अरहमान रहीम ने क्या ना क्या बात है किस नीरित बहुत छुका मतलब, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये हराम हो चुका है, हराम हो चुका है, असल में तीन चार बच्चे थे और तीन तलाकें हो चुकी थी, अब वो चाहता था जिसमें जोड़ लग जाए, और वो तीन तलाकें भी हुई थी तीन चार साल में गैप गैप के साथ, अब कैसे जोड़ लगेगा उसमें, वो कहता है कोई ना कोई रास्ता निकाले, हम ये करेंगे जनाब, जब उनको सख्ती से इनकार किया तो उन्हें गालियां दी, बुरा भला कहा, बदकलामियां की, एक से जाकर दूसरे जाकर, तो दिल में तो नफरत आई, दिल में तो नफरत आई थी उसकी, हालांकि हमारी कोई गलती नहीं, मैं ये मिसाल समझा रहा हूं। तो फर्ज कीजिए जिस शख्स ने हमको तकलीफें पहुंचाई, जिस शख्स ने हमको दुख पहुंचाया, या हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, हमारा अफसर है, हमारा कोई भी है, मान लीजिए किसी दफ्तर में हमारा कोई काम है और वहां कोई अफसर है जो रिश्वत रिश्वतखोर है और वो काम ही नहीं करके दे रहा है, खा रहा है ले रहा है रिश्वत, और उसके बावजूद कल ही मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कह लगा हम फला काम कर रहे हैं, हर कुछ दिन बाद कुछ लोग आते हैं कहते हैं नहीं कर सकता दे दो इतने पैसे, कहते हैं बस वो हर कुछ दिनों बाद पैसे देने पड़ते हैं तब हम काम कर पाते हैं वरना तो नहीं खा। तो जब किसी इंसान की तरफ से हमें बहुत तकलीफें पहुंची, इस दौरान अगर हमने सुना उसको कोई मुसीबत आ गई, उसको कोई लॉस हो गया, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका टेस्ट खराब निकला, उसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, तो खतरा इस बात का है कि हमारे दिल में खुशी आएगी, और खुशी इस वजह से आएगी क्योंकि उसके साथ हमारी अनबन है। ये जो खुशी आना है ना, ये है बड़ी खतरनाक चीज, ये खुशी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत ही बड़ा दिल चाहिए कि जिसने हमको सताया, जिसने हम पर जुल्म किया, उस पर मुसीबत आई, तो हम अपने दिल को खुश न होने दें, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इस मकाम पर तो 100% अगर कामयाब थे तो सिर्फ एक मोहम्मद रसूल, और कोई जिसे जिंदगी भर सताया, जिसने जिंदगी भर सताया, ठीक है उनको भी यहां से दुआएं दी, कभी गिला नहीं किया, गिला भी किया तो मोहब्बतों के साथ, गिला किया तो गजब के साथ नहीं, गजब के साथ गिला कर तो तबाह हो जाते। हब्बार इब्न अस्वद ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साहिबजादे को खंजर या कहिए नेजा मारा, और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जख्मी उसी से हो गई और हालत हवल में थी। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसका सामना हुआ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुना यह है वो हब्बार इब्न अस्वद जिसे मेरी बेटी को बेटे को नेजा या तलवार मारी थी और हालत हमल में बच्चा जाया हो गया था, तो कितने गजबनाक हो सकते थे। सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आपने उस सफर में हब्बार में पहले ही माफ कर चुका हूं, आज भी माफ करता हूं। तो जिस इंसान को, जिस इंसान ने हमको तकलीफें पहुंचाई, जब हमने सुना उसको मुसीबत आ गई है, तो उस वक्त अपने दिल पर पत्थर रख करके कहें या अल्लाह उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मगर मैंने आज ये सुना कि उसको दुख पहुंचा है, उसको परेशानी आई है, या अल्लाह उस पर रहम करना। अगर ये हम करने में कामयाब हो गए तो जनाब वाला अल्लाह की तरफ से हो सकता है एक नियामत मिल जाए, वो ये मैं उसको रहम करूं या ना करूं तो उस पर तो जरूर रहम तेम शराब और रहम नकारा सा करे जो तम छना सतोमुत वारिया तम छना सतोमुत वारिया तम छने पेपर वारिया जुलम कुरमुत आज आओ तुम इस मुसीबत समझ पता तुम इसके ऐसा मुसीबत बल्कि मुमकिन छो
تم اس کی مصیبت آ صاحب اسی لیے کہ تم چنے سے ظلم کر رہا تھا, تمہارے ظلم کی وجہ سے میں نے اس کو سزا دے دی, مگر بہت سے گوشن چاہن سے کیا بنا سب تھا آتما سے یا اللہ تم اس کا رحم, تم اس کرا پر رحم نہ کرا سا کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو شاہ یہاں کا سمجھ جناب ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس امتحان میں پاس ہونا آسان نہیں ہے. ہم نے کسی آفس میں کوئی کام کرانا چاہا, بہت زور لگائے بہت زور لگائے اور کام جینیون تھا, ہمارا حق تھا, کسی صاحب نے نہیں ہونے دیا, کسی صاحب نے نہیں ہونے دیا, اس کا خار ہمارے دل میں رہے گا, کیوں نہیں رہے گا, ہم تو انسان. لیکن اسی بیچ میں ہم نے سنا اس کو سسپینڈ کر دیا, ممکن چھ بھائی ذہن اسمال آہ آہ اصل کے دوست بہت اچھا ہوا, وہ تھا اسی لائف کتنا کرپٹ انسان اور ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا سالہ سال تک, اچھا ہوا یہ ہے وہ مرحلہ. اس موقع پر دل کو سمندر بنانا اور کہنا یا اللہ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا آپ کے علم ہے, آج اس کو مصیبت آ گئی ہے اللہ رحم کر. تو جناب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی وجہ سے تو میں نے مصیبت اسی وجہ سے تو سسپینڈ کرا دیا اسے, کہ وہ یہی کرتا تھا تمہارے ساتھ اور باقی میرے بندوں کے ساتھ, اسی وجہ سے لوگوں سے لائیں نہیں مس, مگر تم نے اس وقت میں رحم کی درخواست کی ہے, اس پر رحم کروں یا نہ کروں تم کر ضرور رحم کروں گا. یعنی جب ہم نے سنا دوسرے کو مصیبت, آپ کا جناب کوئی کلاس فیلو تھا, آپ کا جگری دوست تھا, صحت مند تھا, کہتا تھا آؤ میرے ساتھ پنجا لڑاؤ, تم اس کے ساتھ پنجا نہیں لڑا پاتے تھے, چلو میرے ساتھ ریس کرو, تم اس کے ساتھ دوڑ بھی نہیں سکتے تھے, اس جیسی صحت بھی نہیں تھی, اور اچانک آپ کے ساتھ لڑائی ہو گئی, اس کی لڑائی ہو گئی, دوستی ختم ہو گئی, غلطیاں اس نے کی, اس کے بعد پھر کیا ہوا, آپ نے سنا وہ بیمار ہے, پھر سنا یار زیادہ ہی بیمار ہے, آپ نے کہا گیسنس کیا حاصل کر, ٹھیک, اب آپ نے کہا یار وہ زیادہ ہی بیمار ہے چلو دیکھتے ہیں, تو آپ کا دوست آپ کو پکڑ کے لے گیا, آپ نے دیکھا ہسپتال میں ہڈیوں کا ڈھانچا ہے, آپ حیران ہو گئے یار کیا ہو گیا, کیا ہو مجھ سے سکوت ہوا تم کیا, اس کے بعد آپ کے دل میں خیال آ گیا اس نے میرے ساتھ کیا کیا, اس کو فوراً کہ یا اللہ میں شکر گزار ہوں آپ نے میرا ایسا حال نہیں کر دیا. جناب والا آپ جیسا جوان لڑکا تھا آج کڈنی فیلئر ہے, آپ ہائے 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 کرتے رہیں گے, آپ کے ہائے ہائے سے کیا ہوگا, آپ یہ کہو یا اللہ آپ نے میری کڈنیاں فٹ بنائی شکر, اس بیچ میں جس پر مصیبت آ گئی اس پر رحم کر, اور آئندہ میری کڈنیاں ٹھیک رہنی چاہیے, یہ کرو تین دعائیں. جب مصیبت کسی انسان کے بارے میں سنا حالانکہ مصیبت آئی ہے تین دعائیں کرنی چاہیے, الحمد للہ الذی آفانی مما ابتلاه فی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, یہ دعا یاد رہے تو بہت اچھا, اور اگر دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم اپنی زبان میں کہیں یا اللہ میں نے سنا فلانے کی مصیبت آ گئی, یا اللہ اس پر رحم کرنا, جو بھی ہے وہ میرا جاننے والا مجھ پر ظلم کرنے والا اس پر رحم کرنا, اور آج تک آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا آئندہ بھی بچا کر کے رکھنا, تو آئندہ موت تک انشاءاللہ اس مصیبت سے محفوظ رہے. بس آخری بات, بہت ساری باتیں کہنی تھی اس ٹاپک پر, کون سی حالت میں کیا کرنا ہے, کون سی حالت میں کیا کرنا ہے, یہ بہت, ہاں کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ پرائیویٹ لائف فیملی لائف میں ازدواجی زندگی میں بہت خوشیاں ہوگی, میاں بیوی دونوں بہت بالکل اٹیچ ہے آپس میں خوش ہیں, شوہر کی طرف سے بیویاں خوش ہیں, بیوی کی طرف سے شوہر خوش ہے, بہت اچھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, شکر کرتے رہیں اور اس میں عیاشی سے بچیں اور فضول خرچی سے بچیں, کیونکہ اچھے ماحول میں انسان سوچتا ہے بھائی کیا کر, اب چلو گھومنے جائیں گے, اب وہاں پیسہ ضائع کریں گے, اب وہ گھوم کر آئیں گے, اب نمازیں چھوٹیں گی, اب عیش کی زندگی ہوگی, فرض وقت پر ادا نہیں ہوں گے, بس کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ سے خوشی چھین لیں گے, اور جب چھین لیں گے تو ٹکراؤ شروع ہوگا, سمجھی سنی وہاں لڑائی کا پہنچے گا, سمجھی سنی وہاں بچن بھی کیا ایک مت بچ کر, وہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہا, وہ آپ نے جو ناشکری کی ہے نا اس ناشکری سے سزا لگ گئی, اللہ نے چھین لیا خوشی, پتا نہیں سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں. اور کبھی ایسا ہوگا انبن ہے, ٹینشن ہے, دوریاں ہیں, غلطیاں اس کی ہیں یا اپنی ہیں, جو بھی ہیں اس میں کیا کرنا ہے, بیلنس پر رہنا ہے, اس انبن میں اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ جناب غلطی تھی اس کے کم ہم نے زیادہ ایکشن لے لیا, نہیں, اس انبن میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اپنے ایکشن کو کنٹرول میں رکھنا ہے, چاہے انبن ماں باپ کے ساتھ ہو, چاہے بھائیوں کے ساتھ ہو, چاہے بیویوں کے ساتھ ہو, چاہے پڑوسوں کے ساتھ ہو, انبن اور دوریوں میں حدود سے آگے نہیں جانا ہے, زیادتی نہیں کرنی ہے, اتنا ہی کرنا ہے جتنے کی اجازت ہے. یعنی ایک نے ہم کو گالی دی, ہم کیا کر سکتے ہیں, جا کر تھپڑ مارے, تو جواب ہے وہ مجرم, آپ ڈبل مجرم, وہ تو مجرم ہے آپ بھی مجرم ہو, تو یہ کہے گا کیا اس مجرم, میں کیوں مجرم ہوں, اس نے مجھے گالی دی میں نے تھپڑ مارا, تو جواب ہے
गाली के जवाब में गाली देना वो भी जुर्म, गाली के जवाब में थप्पड़ मारना वो भी जुर्म। ये फौरन कह के तिर क्या मेरे पास मैं सर खामोश भी होते वो क्या क्या जो ही छुटा मैं क्या औरत हूँ कुछ तो जवाब है ना आप ना जई है ना औरत है ना लाश है आप मर्द हैं कोई घबराने की बात नहीं लेकिन समझना है कि उसने आपको गाली दी थी जवाब में आप गाली देते तो वो भी मुजरिम आप भी मुजरिम वो गाली देने वाला बदकलाम आप भी गाली देने वाले बदकलाम तो उसी लेवल पर आप पहुंच जाते। आपने गाली के जवाब में थप्पड़ मारा या आपने अपनी मरगां दिखाई ये दूसरा जुल्म हो गया। फिर क्या करना था मुझे तो जवाब यह है सबसे बेहतर यह है कि अगर आप बर्दाश्त करके दिखाएं है नहीं नहीं मैं क्या बर्दाश्त करूंगा ये बेगैरती है जवाब है बेगैरती नहीं है ये बुलंद अखलाक है। जिसको आप बेगैरती के खाने में डाल रहे हैं वो बेगैरती नहीं है बुलंद अखलाक है। वो उसने बदकलामी की हमने यहां से बदकलामी नहीं की और बुलंद अखलाक का रोल मॉडल मोहम्मद रसूल आपने किसी की गाली की जवाब में गाली नहीं दी और आप ये नहीं कर सकते तो आपको किसी और से शिकायत करनी है तो आप मैं किससे शिकायत करूंगा तो जवाब इस्लामी हुकूमत अगर होगी तो काजी के पास काजी खुद ही उसका एक्शन देगा और सजा देगा और अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो उसके माँ बाप से कहें उसके दोस्त से कहें जो आपके दरमियान कॉमन इंसान है उससे कहें यार इसने बदकलामी की है बस। लेकिन वो इस तरह से कहें कि आप कहें मैं केस ले जा रहा हूँ गिबत नहीं कर रहा हूँ तो मामला बहुत नाजुक है आसान नहीं है समझना फर्क बहरहाल जब भी मुश्किल आता है कि तो उस वक्त ये करना होता है। और आखिरी बात यह है बस इस वक्त तो आखिरी बात यह है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं इन सोर्सेज का हमें इस्तेमाल करना है। उन सोर्सेज में कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ बाहर हैं। नेचुरल सोर्सेज में हमारी आंख है हमारा कान है हमारी जुबान है और बाहर के सोर्सेज में हमारा पैसा है हमारा मोबाइल है हमारा लैपटॉप है ठीक है हमारी गाड़ी है। बाहर के सोर्सेज में ये सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। आपके पास गाड़ी है यह गाड़ी कहीं ना कहीं चलेगी आपके पास पैसा यह पैसा कहीं ना कहीं खर्च होगा आपके पास मोबाइल है ये किसी से कॉन्टैक्ट करना है बात करनी है वीडियो कॉलिंग करें या कॉलिंग करें या क्या करेंगे तो करेंगे। आपके पास नेट है नेट आप चलाएंगे आपके पास यूट्यूब का सिस्टम है आप करेंगे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं चलाएंगे आपके पास पैसा है पैसा कहीं खर्च होगा ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे पास जिस्म है। जब तक हम बेदार हैं हम आँख से कुछ ना कुछ देखना है जब तक हम बेदार हैं हमें कुछ ना कुछ बोलना है या कुछ ना कुछ करना है। खामोश इंसान चुपचाप खामोश होकर नहीं बैठेगा और अगर चुपचाप खामोश बैठेगा तो दिमाग कुछ ना कुछ सोचेगा। तो इस सोर्स को जो नेचुरल है अल्लाह का दिया हुआ वो या अल्लाह के बाहर इनमें तमाम चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। इस इस्तेमाल करने में क्या जहन में रखना है कि मैं इनका इस्तेमाल उस तरह से नहीं करूंगा कि अल्लाह ताला शानो मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे तुमने गलत इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने से पहले मुझे अपनी आंख से देखना है लेकिन ऐसा ना हो कि ये देखना मेरे लिए अजाब का सबब बन जाए अल्लाह एक्शन लेंगे तूने ये क्यों देखा मेरे पास पैसा है ऐसा ना हो कल का अल्लाह फरमाए कि तूने ये जगह पैसा क्यों खर्च किया मेरे पास मोबाइल है मुझसे पूछेगा ये मोबाइल इस जगह इस्तेमाल क्यों किया हमारे पास गाड़ी है ये नहीं कहती गाड़ी तुमने कहां कहां इस्तेमाल की। जो सोर्सेज हमारे पास हैं चाहे वो फितरी आज़ा की शक्ल में है दिमाग मेमोरी बहुत तेज किस्म की मेमोरी है हमने क्या किया तेज मेमोरी है हमने दुनिया भर के क्रिकेटरों के सारी डिटेलें जहन में रखी फलाने ने इतने रन बनाए फलाने इतनी की विकेटें ली है फलाने मैदान में मैच हुआ था उसमें फलाने जमाने में फलाना कप्तान था फलाने जमाने में ये था ये सारा कबाड़ खाना आपने जहन में रखा मेमोरी का गलत फायदा होता है। अपने दिमाग को हमने डस्टबिन बनाया फख्र के साथ मैं आपको फर सुना देता हूँ कि आप फुटबॉल में फुटबॉल एक दफा एक साहब आए कहने का मैं एक घंटे तक आपको सुनाऊंगा फुटबॉल की हिस्ट्री सारी और किस मैदान में फुटबॉलर कौन कौन बड़ा था और कहाँ कहाँ इंटरनेट मैंने कहा तो ये सारे कबाड़ खाने का आपको फायदा है ना मुझे कोई फायदा मुझे क्या करना सुनता कहने का कबाड़ खाना है मैंने कहा कबाड़ खाने से भी बदतर है कहने का क्यों मैंने कहा कबाड़ खाना कभी कभी खाद बनता है ये तो खाद भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास दिमाग है सोच की सलाहियत है मेमोरी सिस्टम है जवानी है इस जवानी की सारी चीजें हैं ये हमारे पास सोर्सेज हैं इसका इस्तेमाल करना। हमारे पास पैसा है मोबाइल है गाड़ी है लैपटॉप है सारी चीजें हैं इनका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करते हुए देखना है कि मैं वो इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूं जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और अगर अल्लाह नाराज होते हैं तो फिर ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिनों तक चलने दूंगा उसके बाद फिर कौन जो दो चलते दूंगा और तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी कुछ दिनों के बाद फिर मैं आपके पास पैसा है इस पैसे से आपको कुछ ना कुछ खरीदना है क्या खरीदेंगे बेकार चीजें जनाब चिप्स खा रहे हैं कुरकुरे खा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स
और फलां चीज फलां चीज फलां चीज टेस्ट के लिए, जवाब है मैंने पैसा दिया था बर्बाद करने के लिए, नहीं अता था, मैंने तो कहा था हमदर्दी में कि फजूल खर्ची मत करना, तुम तो फजूल खर्चे, कपड़े मौजूद हैं फिर भी नया पैसा, बस टॉपिक खत्म हो गया। और आखिरी बात जो सब मुझे जहन में आ गई वो मुझे अर्ज करनी है, मेरे भाइयों शैतान ने ये कहा था कि मैं औलाद आदम को नंगा कर दूंगा, उस नंगे होने का नजारा सारी दुनिया कर रही है, यहां तक कि वर्ल्ड में वो लोग भी हैं जो फख्र के साथ कहते हैं कि कपड़ा पहनना ये नेचर के खिलाफ है, और उस एरिया में कपड़ा पहनने वाले अंदर नहीं जा सकते, वहां अंदर सारे जो है वो नंगे होंगे। यहां भी एक दफा एक, एक, एक इदारे में था, वो एक रजनेश बना था, उसके एरिया में सारे नंगे रहते थे और वहां सारी किस्म की अयाशा होती थी, मुझे वो मतलब नामजद करके मुझे बोलना नहीं है, लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये लोग बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं, हम नेचुरल सिस्टम पर हैं, माँ के पेट से हम जिस तरह से आए हम उसी तरह से रहेंगे, लेकिन मुझे वो नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि इस वक्त यहाँ के जो माहौल में आ गया है कि हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ, नौजवान लड़के खासतौर पर कच्चे पहन करके बाइकों में दौड़ते हैं, ये हालत खतरे की हालत है। काश यहाँ से यहाँ के रेडीमेड गारमेंट का काम करने वाले समझें कि हम सिर्फ अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं बल्कि हम मुस्लिम कल्चर पर अटैक करा रहे हैं। ये जो दुकानों में स्टैचू खड़े हैं औरतें, वेडिंग सूट दिखाने के लिए औरतें खड़ी की गई हैं, बच्चों के सूट दिखाने के लिए बच्चे, ये जो स्टैचू लगाए गए हैं, स्टैचू मर्दों के, जवानों के, बच्चों के, औरतों के स्टैचू हैं, क्या है इसका मतलब? हमारे कपड़े बिकने चाहिए, ठीक है साहब, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि हम असल में चाहते हैं कि नबी का कल्चर दुनिया से खत्म हो जाए, हम ये कल्चर लाना चाहते हैं और आप उसका साथ दे रहे हैं। इस बेचारे को नहीं मालूम है कि मैं किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं। दुनिया की बेशुमार चीजों में साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, इसमें साइड इफेक्ट यही है कि आप अपना वेडिंग सूट बेचें या ना बेचें, आपके पास वेडिंग सूट खरीदने वाले आए या ना आए, लेकिन आप कम से कम यहां की औरतों को मैसेज दे रहे हैं, यहां के नौजवानों का माइंड सेट आप तब्दील कर रहे हैं, तुम ऐसे बनो। मैं समझता हूं यह बात बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त तहजीबी तसादुम है, कल्चरल कलेश चल रहा है, एक तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर है, एक तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह के गैरों का कल्चर है, मुसलमान को सोच फैसला करना है कि मुझे कौन से कल्चर को फॉलो करना है, और अगर मुसलमान ये कहते हैं हमें अब नबी का कल्चर पसंद नहीं है, तो फिर साथ में ये भी इसके लिए भी तैयार रहना है कि अल्लाह ताला बॉर्डर से बाहर निकाल देगा और नई कौम आ जाएगी।